जायफल को किसी चीज पर टांग कर गर्म करो, जितनी आग लगेगी उतनी आग उधर लगेगी, ये दोनों आगों से उस प्रेम की अग्नि को चलाए रखो, फिर देखना तुम्हारा रिश्ता कुछ ही क्षणों में ठीक हो जाएगा। रिश्तों में थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी चाहिए होती है, मुझे कहां फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहां फुर्सत कि मौसम मैं सुहाना देखूं, तुम्हारी याद से निकलूं तो जमाना देखो। याद में जब तुम किसी के होते हो, जब तुम किसी के रिश्ते में होते हो, जब तुम किसी के संबंध में होते हो, तो तुम्हें मालूम है तुम दुनिया की और कोई चीज देखने लायक नहीं होते, तुम कुछ और समझ नहीं पाते, तुम कुछ और जान नहीं पाते। रिश्तों की गर्माहट का यही तो आनंद है। तुम्हारा अगर कोई रिश्ता बिगड़ गया है, तुम्हारा कोई रिश्ता खराब हो गया है, कोई भी रिश्ता हो अगर वो खराब हो गया है, तो ठीक करने के पुराणों में शास्त्रों में बहुत उपाय बहुत समाधान दिए गए हैं, उन समाधानों से एक समाधान निकाल कर लाया हूं। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में जीवन की सारी तकलीफें दूर की जाती है, रिश्ता कैसा ही हो सुधार दिया जाता है। यहां अभी तक 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, सक्सेस रेट 100 लोग आते तो कितने ठीक हो जाते हैं, 96% सक्सेस रेट है यहाँ का। यहाँ हर हाल में तुम्हारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाता है, चाहे वो पूजा करके हो, पाठ करके हो, समाधान करके हो, तुम्हें गाइड करके हो, तुम्हें समझा कर हो, तुम्हें रास्ता दिखा कर हो, तुम्हें डिप्रेशन से निकाल कर हो, कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम और हमारी 4000 लोगों की टीम तुम्हारे साथ होते हैं। ये तारतम्य केवल बोलने बताने के लिए नहीं, इसमें बहुत बल लगाया गया, बहुत कीमत अदा करनी पड़ी है। जब मैं अपनी समाधानों से, जब अपनी कथाओं से निकलकर मैं ये सब काम करता हूँ, तो लोग बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, तुम तो लोगों को बिगाड़ रहे हो। मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, कुछ बिगाड़ कर कुछ अच्छा करते हैं तो भैया अच्छा है। वो एक ऐड था ना, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा है तो सर्फ एक्सेल, दाग लगने से कोई रिश्ते सुधर जाते हो तो हाँ ठीक है। कलकत्ता में हताहत हुआ, कलकत्ता में इतनी अभद्रता और इतनी अव्यवस्था, ये मनुष्य की गति क्या है, क्या हो क्या रहा है। एक बात कहूं, इज्जत उसकी तब नहीं लूटी जब किसी आदताई किसी राक्षस ने इज्जत लूटी, असली इज्जत उसकी तब लूट गई जब पूरे संसार में शर्मसार कर दिया गया। ये अच्छा नहीं, ये मीडिया जिस तरह उखाड़ कर रहे समूचे विश्व में उसे तार तार कर रही होती, अच्छी बात इसमें तो तुम उस राक्षस की महिमा मंडन कर रहे हो, उस राक्षस की तो प्रवृत्ति वही है, उसका तो स्वभाव ही है, उसके लिए उस अगर प्रशंसा करनी हो तो क्या उसकी तो वही प्रशंसा है। एक शेर की क्या प्रशंसा कि वो बड़ा अच्छा शिकार करता है और बहुत अच्छे से नोच कर खा जाता है, यही तो उसकी प्रशंसा है। तो तुम कहीं ना कहीं राक्षसों को बढ़ावा दे रहे हो, तुम आताइयों को बढ़ावा दे रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और बच्चों, जीवन में तुम्हारे जीवन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। वो पुरानी पिक्चरों में देखा इज्जत लुट गई, इज्जत लुट गई, वो कुछ होता नहीं है। इज्जत तुम्हारी वास्तविकता में तुम्हारे प्राणों में है, तुम्हारी गरिमा में है, तुम्हारे शरीर के मलिनता से ज्यादा तुम्हारे मन की मलिनता में तुम्हें ध्यान देना चाहिए। खैर, ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत सारी बातें भी करनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात पर जरूर जोर दे रहा हूं कि रिश्तों को संभालने में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, रिश्तों को ठीक करने में, रिश्तों की पाठशाला को चलाए रखने में 25 सालों में बहुत कुछ हाथ से निकला है, लेकिन हमने आपका साथ कभी छोड़ा नहीं, कभी पीछे हटकर देखा नहीं और कभी ब्रेकडाउन नहीं किया। आज आपको बढ़िया समाधान बता रहे हैं। छोटी छोटी 3 लकड़ियां चाहिए जिसको ऊपर से आप बांध कर तिपाई बना लो और उसी के ऊपर जायफल रख दो। अब जायफल में एक तरफ किसी भी तरह से रोली से, सिंदूर से, हल्दी से, घी में मिलाकर उसके ऊपर अपने रिश्ते का, जिस व्यक्ति को, जिस इंसान को तुम ठीक करना चाहते हो,
तुम्हारा पापा है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बंधु है, तुम्हारा सखा है, जो भी है, उसके नाम का पहला अक्षर उसमें लिख दो और उस तिपाई के ऊपर जायफल को रखो और नीचे कपूर जलाओ और 7 बार बोलो ओम हम ओम हम। 7वीं बार के बाद उसका पूरा नाम लेकर के कहना कि वो मेरे अनुकूल हो जाए, वो ऐसा हो जाए जो तुम चाहते हो। वो बात पूरी बोलकर उसी जगह पर नमस्कार करके हट जाना, एक आम सुनसान जगह पे सन्नाटे में करना। तुम देखना जब तक तुम घर पहुंचोगे तब तक परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी होंगी, सब ठीक हो चुका होगा। तो भैया अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। पानी पानी इसलिए पियो कि यही तो देवता है, यही तो तुम्हें जीवित रखता है, यही तो तुम्हें जागृत करता है, ये अंदर जाके स्पंदित करता है, तुम्हारे रोम रोम को स्पंदित करके प्रसन्नचित्त करता है। करके देखिए तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी। और हाँ, रोने से, बिलखने से, परेशान होने से, ईर्ष्या करने से, द्वेष करने से, पाखंड करने से, प्रपंच करने से, लोगों को बताने से, लोगों के सामने बुराई करने से, यहाँ वहां पुलिसियागिरी करने से या उसके पीछे जासूसी करने से कुछ ठीक होगा नहीं। जब ठीक होगा तब समाधान से होगा, जब ठीक होगा तब व्यवस्था करने से होगा, जब ठीक होगा जब तुम्हारे अपने प्रयास सार्थकता से चलेंगे तभी कुछ ठीक होगा। तो इस व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखो और अपना ख्याल रखो। तुम ठीक रहोगे, दिनचर्या ठीक रखोगे, सुंदर बने रहोगे तो ठीक हो जाओगे। रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान होगे, अपने आप को बर्बाद कर लोगे तो सोचो दो पल रहे हैं, एक पर तुम जो कर रहे हो वो करो, एक पर जो मैं कह रहा हूं ये करो। जीतने के लिए तो रास्ता कौन सा बेहतर है तुम्हें पता होगा। अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। रिश्तों को ठीक करने के लिए इससे बड़ी कोई जगह नहीं है। नीचे दिए हुए नंबर पर अपना मुफ्त में ये जानकारी ले लो कि तुम्हारे रिश्ते में कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं। अपना खूब ख्याल रखो, मैं फिर तुमसे बात करूंगा, फिर मुलाकात करूंगा।